आप सभी का स्वागत है ईएस एजुकेशन में। फ्री टैबलेट स्मार्टफोन वितरण को लेकर आज तक हमने आप लोगों को सिर्फ जानकारी दी थी, लेकिन आज हमने सोचा कि आप लोग क्लिक अनबॉक्सिंग वीडियो भी होनी चाहिए, ताकि जितने भी छात्र छात्राओं को अभी तक फ्री टैबलेट स्मार्टफोन नहीं मिला है तो वो बिल्कुल भी निराश ना हो। आप लोग को जल्द से जल्द फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण करवाया जाएगा। आप लोग को पता है कि जिस सरकार की ओर से फ्री टैबलेट स्मार्टफोन वितरण को लेकर बातें कही गई थी, शुरुआत किया गया था, वही सरकार दोबारा सत्ता में है, तो जाहिर सी बात है कि अब आप लोग के फ्री टैबलेट स्मार्टफोन वितरण को लेकर कोई भी इंतजार नहीं करना है। जल्द से जल्द जो वितरण है वो करवा दिया जाएगा। आप लोग को बस 5 से 6 दिन का और इंतजार करना है। आप लोग की कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर स्टॉक पहुंच चुके हैं तो 2 से 3 दिन में वितरण हो जाएगा। अगर आप लोग की कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टॉक नहीं पहुंचे तो बस आप लोग के 2 से 3 दिन में कॉलेज यूनिवर्सिटी को उनका जो स्टॉक होगा, उनके हिस्से का जितना भी टैबलेट स्मार्टफोन होगा, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी को दे दिया जाएगा। तो आप लोग को बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होना। अभी तक आप लोगों ने इतना इंतजार किया, तो अब आप लोग थोड़ा बस और 10 से लेकर 15 दिन तक का इंतजार कर लीजिए, आप लोग के हाथों में फ्री टैबलेट स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए कि सबसे पहले ये जो टैबलेट है वो एसर कंपनी का टैबलेट यहाँ पे दिया गया है, और गोरखपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज जो वितरण है, यानी कि 11 मार्च को जो वितरण है वो करवाया गया। इसी तरीके से 12 मार्च को, 13 मार्च को कई सारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो वितरण है वो करवाया जाएगा। तो आप लोग को अलग अलग जगह से जो जानकारी है वो देखने को मिलेगा, तो आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले अगर आप लोग टैबलेट का बैक पोर्शन देखेंगे तो यहाँ पे टैबलेट के सारे जो सर्टिफिकेशन है वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा, कि जो टैबलेट है वो आप लोग का एंड्राइड 10 है। इसके साथ ही यहाँ पे रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा जो है वो कितने मेगापिक्सल का है। इसके साथ ही यहाँ पे आप लोग एक माइक्रो सिम यूज कर सकते हैं, 2 GB RAM जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है, थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था, और 32 GB यहाँ पे रोम दिया गया है। इसके साथ ही जो बैटरी है वो 5100 mAh की यहाँ पे बैटरी दी गई है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे बताया गया कि जो टैबलेट की प्राइस होगी वो मार्केट प्राइस तकरीबन यहाँ पे 20,000 रुपये तक बताई गई है। इसके साथ ही यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है, इन्हें जो टैबलेट दिया गया है, इनका यहाँ पे जो बेसिक डिटेल है वो जिस तरह से फ्री टैबलेट स्मार्टफोन दिया जा रहा है, तो उसमें जो एक बेसिक डिटेल है वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अभी तक इस टैबलेट की अनबॉक्सिंग नहीं की गई है, हमने सोचा कि डायरेक्ट आप लोगों के सामने इस टैबलेट की अनबॉक्सिंग की जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने बॉक्स को ओपन कर दिया। यहाँ पे ऊपर ही आप लोगों को जो टैबलेट है वो देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से जो प्लास्टिक कवर है उसमें आप लोग का जो नॉर्मल इस तरह से जब आप लोग फ़ोन को ओपन करते हैं तो देखने को मिलता है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे जो आप लोग के टैबलेट है वो बिल्कुल इसी तरीके से रैप हैं। तो इसको पहले साइड कर देते हैं और देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर आप लोग को और क्या चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाएगा। तो अब जैसे ही बॉक्स को ओपन करोगे तो यहाँ पे आप लोग को चार्जर केबल देखने को मिल जाएगा, जहाँ कि आप लोग अपने टैबलेट को चार्ज कर सकें। इसके साथ ही यहाँ पे आप लोग के ईयरफोन भी इसके साथ दिया गया है, और यहाँ पे आप लोग को एक वारंटी कार्ड, यानी कि जो भी एसआर कंपनी की ओर से जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, कि किस तरीके से आप लोग के टैबलेट के वॉलपेपर हैं, जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि टैबलेट में क्या क्या चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगा। तो सबसे ऊपर ही आप लोग को जो कनेक्टर है वो देखने को मिल जाएगा, उसके बाद से साइड में आप लोग को पावर अप बटन और जो वॉल्यूम का बटन है वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे पावर अप बटन को हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो एंड्राइड है वो लिखा हुआ आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो योगी जी की और मोदी जी की जो फोटो है वो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे आप लोग अपने वॉलपेपर को भी चेंज कर सकते हैं, इसको लेके बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जो स्टॉक पहले से कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुँचा दिए गए थे तो वहाँ पर अभी भी योगी जी की, मोदी जी की फोटो है, तो आप लोग बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अभी वीडियो में हम आप लोग को बताते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर ऊपर की ओर स्क्रॉल करना, आप जैसे ही करेंगे उसके बाद से यहाँ पर आप लोग को सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप जैसे सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कई सारी यहाँ पर जो फीचर्स हैं वो सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो अब जैसे ही डिस्प्ले के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद से यहाँ पर आप लोग को, तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, ब्राइटनेस लेवल को लेके, नाइट लाइट को लेके, फिर इसके साथ ही यहाँ पे ब्राइटनेस को लेके, वॉलपेपर, डार्क थीम। तो यहाँ पे कई सारे जो ऑप्शन आप लोग के फ़ोन टैबलेट में देखने को मिलता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो हम लोग वॉलपेपर पे क्लिक करते हैं, उसके बाद से 3 ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा, लाइव वॉलपेपर, फोटो और यहाँ पे वॉलपेपर करके। तो अगर हम लोग लाइव वॉलपेपर में देखें तो कोई भी वॉलपेपर यहाँ पे नहीं है। उसके बाद से हम लोग बैक आ जाते हैं, और बैक आने के बाद आप लोग का ऑप्शन दिखेगा वॉलपेपर पे, आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप लोग अपने माय फोटो के ऑप्शन में भी जाके अपने वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं, अगर आप लोग अपने फोटो कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे वॉलपेपर आप लोग को देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद से सेट वॉलपेपर पर क्लिक कीजिए तो आप लोग के सामने 2-3 ऑप्शन आएगा, कोई होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। तो यहाँ पर हम होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर क्लिक कर लेते हैं, तो जो ऑप्शन होगा
वो देख लेते हैं कि काम किया कि नहीं किया, आप लोग का वॉलपेपर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। तो बिल्कुल आप लोग के जो वॉलपेपर हैं वो चेंज हो चुके हैं। पहले यहाँ पे योगी जी की मोदी जी की फ़ोटो थी, फिलहाल यहाँ पे योगी जी की और मोदी जी की जो फ़ोटो है वो हट चुकी है। इसके साथ ही अगर इसके कैमरे को लेकर बातें की जाए तो जो कैमरा है वो उतना ज़्यादा तो अच्छा नहीं है जितना अच्छा अभी के फ़ोन और टैबलेट में आप लोग को देखने को मिलता है। लेकिन ये जो टैबलेट है वो आप लोग को पढ़ने के लिए दिया गया, तो बेहतर आप लोग को स्क्रीन देखने को मिल जाता है। यूट्यूब आप लोग को ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल दिखेगा, यहाँ पे जो भी गूगल के यूट्यूब के जितने भी सारे ऐप हैं वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा, प्ले स्टोर भी आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर आप लोग कोई ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डीजी शक्ति पोर्टल भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से पूरा जो टैबलेट है वो आप लोग को दिया गया। पढ़ने के हिसाब से तो आप लोग के लिए टैबलेट बेहतर है, बाकी अगर आप लोग गेमिंग करना चाहते हैं ग्राफिक वीडियो तो उतना ज़्यादा बेहतर तो नहीं है, जाहिर सी बात है। काफ़ी कम रैम है इसमें और रोम ठीक ही ठाक है। तो एक अच्छा आप लोगों को टैबलेट दिया गया पढ़ने के लिए, जैसे एक बहुत अच्छा टैबलेट आप लोग के लिए है। तो जल्द ही आप लोग के कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो वितरण है वो करवा दिया जाएगा, आप लोग को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, वहाँ से जो भी जानकारी मेरे पास आएगी वो आप लोग को बता देंगे। साथ ही अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दें, और कोई सवाल आप लोग के रह जाए तो अपने सवाल को भी कमेंट कर दें।